ये करंट फिगर्स हैं ठीक है और ये चेंज hmm. होती hmm. रहती हैं और इसका ज्यादा रिलेशनशिप है आप पे एज एन इंडिविजुअल हाउ मच यू चार्ज राइट सो देर आर ओनली टू क्वेश्चन टू आस्क यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल इन इंडस्ट्री इन द बिगिनिंग यू आस्क वॉट योर बजट राइट एंड देन यू नो अ बॉटम लाइन टू इट दैट कि इससे नीचे मुझे चार्ज नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ करेक्ट ठीक है एंड देन यू कम टू अ पॉइंट वेर यू से दिस इज हाउ मच आई चार्ज राइट फाई इन बॉम्बे आई टू लेट्स बॉम्बे सो सेग्रीशन विल हैिग्स हैं हमारी और लाइव शो है ठीक है अब क्लब okay. गिग्स की रेंज uh, ऐसी कुछ है कि मान लो एक छोटा सा क्लब अगर गिग कर रहा है वो पूरे बैंड hmm. को करीब 20 से तीस हजार रुपये बीस से चालीस हजार रुपये के बीच में पे कर सकता है उस पैसे का बैंड okay. क्या करता है वो उसकी मर्जी है किसी को चार मिनट अभी की बात कर, कर रहा है अभी की बात कर रहा हूँ ठीक है क्लब क्लब आई एम स्मॉल क्लब आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ यू टॉक अबाउट बिगर क्लब बिगर क्लब कैन पे अबाउट सेवेंटी थाउजेंड टू द बैंड एंड देन हाउ डज द बैंड स्प्लिट दैट्स अपड मीनिंग इफ यूर ऑल कैर फाइव मेंबर बैंड टेन मेंबर बैंड अकॉर्डिंगलीट एवं राइट हियर यूर इंडिविजुअल फी डू एक्शन राइट सो देन यू गो टू द बॉलीवुड वर्क कि अब हम लाइव परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी एक रेंज है मतलब कुछ ऐसे शोज हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं आ, वो रेंज पंद्रह पच्च, से पच्चीस हजार रुपए के बीच में जाती है एक सेशन आर्टिस्ट के लिए कि एक बार एक सेशन आर्टिस्ट शो करेगा एक शो के उसको पंद्रह से पच्चीस हज़ार रुपये मिलेंगे ठीक है ये लोअर ब्रैकेट है इसके बाद में एक और ब्रैकेट आता है जो है पच्चीस से पैंतीस हज़ार रुपए का या पच्चीस से पैंतीस मान लो दैट्स अ गुड रेफरेंस टू गिव right that's the next bra bracket this is also another fee that people charge if they can charge mm. let's say 25 they can charge 30 they can charge 35 then the mm. next bracket mm. is 35 plus so that you can reach 45 there you want to charge 50 you want to charge 75 you can do all that okay that depends mm. on mm. your positioning now in the industry then there is one beyond that which is generally a 1.5 lakh straight fee mm. per gig mm. Foreign artist. Mm. So that mm. kind of a fee generally reaches a session singer. Let's say a session singer decides uh, they, wanted, they want to be, uh, let's say a band wants them to come and sing uh, in their mm. setup. So a session mm. singer would charge that kind of a fee. Um, it doesn't have to be mainstream. They can be somebody very good uh, in the industry or have been working in the industry a lot. So, in a nutshell, a mm. bass player ki fee. या एक सेशन म्यूजिशन की फ़ी पंद्रह हज़ार से पैंतालीस हज़ार तक रेंज में रह सकती है डिपेंडिंग वो किस आर्टिस्ट के साथ में काम कर रहे हैं और उनकी पर्सनल काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइन वो कहाँ ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसके अंदर भी <laughs> और प्रॉब्लम्स होती है जब तुम लोअर अच्छा। प्रिंग ब्रैकेट में होते हो तो तुम्हारे साथ हो सकता है ट्रीटमेंट सही ना हो।, हो सकता है हो सकता अच्छा। है तुम्हें होटल सही okay. ना मिले हो सकता hmm. है अकोमडेशन में प्रॉब्लम हो ट्रेवल में कॉम्प्रोमाइज hmm. हो ये सब hmm. Possibilities hmm. हो जाती हैं। hmm. तो हमेशा पॉसिबिलिटी फॉर इंस्टेंस फिर टीवी hmm. शो के hmm. बारे में बात करते हैं उसमें लमसम पे होती है कि आपको अच्छा एक महीने के मान लो uh, दो लाख रुपए मिल जाएंगे या डेढ़ लाख रुपए मिल जाएंगे hmm. इसकी भी रेंज मान के चलते हैं। क्योंकि अलग अलग mm -hmm. तरह के बजट होते हैं तो एक से Actually. दो लाख रुपए तक आप पर मंथ या मंथ एंड हाफ आई वुड से यू यू कैन कैन रीच राइट सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ अ डील दैट गेट एंड देन देर इज लमसम डील्स वेयर एन आर्टिस्ट टेल्स यू दैट मेरे को पाँच गाने रिकॉर्ड करने हैं और हम ये mm. तीन दिन में करेंगे आप कितना चार्ज करोगे mm -hmm. तो तब आर्टिस्ट कैन से आई चार्ज ट्वेंटी थाउजेंड अ डे और थर्टी डे एंड बी एट द स्टूडियो विद यू थ्रू द डे तो अगर मैं तीन दिन काम करूँगा तो मैं आपसे नब्बे हज़ार रुपये लूँगा और फिर इसके अलावा आती है तुम्हारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स में एन इंडिविजुअल कैन चार्ज वट दे वॉन्ट टू चार्ज बेसिकली वट दे फील देयर वर्थस एंड लाइक आई चार्ज थर्टी थाउजेंड रुपीज टू रिकॉर्ड वन सॉन्ग एंड देट इज ऑफ कोर्स अ बजट फॉर अन स्ट्रीम बॉलीवुड थिंग

वो करना बिल्कुल ही गलत होगा बिल्कुल गलत होगा वो करना और ये भी होता है कि ये नंबर्स देखने में बड़े लगते हैं लेकिन द रियलिटी ऑफ सिचुएशन इज दैट सिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव हां इसमें से तुम अपना घर चलाओगे तो तुम्हारी मेड के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं तुम्हारा हाँ। जो गाड़ी धोता है जो दो सौ रुपये लेता है वो यहाँ पे सात सौ रुपये लेता है तुम्हारे correct, correct, तुम्हारे correct. जितने भी खर्चे हैं वो सब कुछ उसकी भी ऐसे होएगा ना जो मेड्स है वो भी ऐसे पॉडकास्ट में बात करती होंगी कि तुम्हारे को नंबर कम नहीं चार्ज करना दैट वाज अ जोक बाय द वे दैट वाज जोक यू गॉट मेरे को लगा तू तो सीरियस हो जाएगा नहीं पर जो मेड्स होती है मेड्स का यार कुछ अलग होता है मेड्स का सिस्टम हां आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम आई मीन या सी मेड्स आल्सो आर